महासेज उपसंपयामि संगम जत्तोर्यमानसंपत्ति। प्राचीन सारथी ग्रंथ गाथा नंबर 83। इसके पहले ये बात करके आए हैं दर्शन मोह के क्षय का उपाय क्या है और चारित्र मोह के क्षय का उपाय क्या है। सबसे पहले कहा कि भाई जो जीव के दुख के मूल कारण है वो मोहावेशी है, इसलिए इस जीव को मोहावेश के क्षय करने में अपनी पूरी शक्ति लगानी चाहिए। और 79 गाथा से 80 गाथा से मोहावेश के क्षय करने का उपाय प्रारंभ किया तो मोह के नाश का उपाय पहले बताया 80 में और 81 में राग द्वेष के क्षय करने का उपाय बताया। 82 गाथा में तो इतना ही कहा कि जितने भी अनंत हुए हैं वे इसी उपाय द्वारा मोह को क्षय किए हैं, मैंने यही उपाय है, इसी विधि से वे सब अनंत बने हैं और यही उन्होंने उपदेश दिया है और वे सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। अब यहाँ उसी को आगे बढ़ाते हुए इस गाथा में ये कह रहे हैं कि जीव मोह राग द्वेष से किस प्रकार शुद्ध होता है, क्षोभित होता है, दुखी होता है, आकुलित होता है। अगली गाथा में कहेंगे कि मोह राग द्वेष से अनेक प्रकार के बंधनों को प्राप्त होता है और फिर उसके बाद में मोह राग द्वेष के चिन्ह क्या है ये अगली गाथा में कहेंगे। ऐसे ये 3 गाथाओं में ये विषय चलेगा। समझ में आया क्या? क्या क्या कहा? इस गाथा में मोह राग द्वेष से जीव आकुलित होता है, दुखी होता है, कैसे क्षुब्ध होता है उसके लिए उदाहरण देंगे, मोह राग द्वेष से कैसे क्षुब्ध और आकुलित होता है। अगली गाथा में मोह राग द्वेष से अनेक प्रकार के बंधनों को प्राप्त होता है, किस प्रकार से बंधनों को प्राप्त होता है उसके लिए उदाहरण देके बताएंगे और उसके बाद मोह के चिन्ह क्या है, राग के चिन्ह क्या है, द्वेष के चिन्ह क्या है, फिर उनसे अनेक प्रकार के बंधन होते हैं, उससे जीव दुखी होता है, ये बात तो समझ में आई, लेकिन मोह राग द्वेष के चिन्ह क्या है, हम कैसे जाने कि हमारे मोह राग द्वेष पाया जाता है। ये तो हमने सुन लिया, समझ लिया, उपाय सुन लिया मोह के क्षय करने का और उपाय सुन के कोई ये समझे कि मैंने वो उपाय अपना भी लिया, मेरे मोह का भी क्षय हो गया और मैंने राग द्वेष का भी क्षय कर दिया। क्या हमारे कोई प्रमाद तो है नहीं, हम तो अप्रमत्त स्थान में ही गए। तो इसके चिन्ह क्या है पहचानने के, किसको? मोह राग। ये 3 गाथा बताएं, 85 नंबर की गाथा। अभी तो यहाँ केवल मोह राग द्वेष से कैसे जीव क्षुब्ध होता है, मोह का स्वभाव क्या है, यूं कहें मोह का स्वभाव, मोह के भेद, ये चल रहा है यहाँ, क्या वर्णन चल रहा है। देखो जब आप सुनो ना तभी आप एक पूरा थोड़ा ध्यान लगा के तभी सुन लो कि किस गाथा में कौन सी बात आई है और क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लोग परीक्षा में आंसर देते हो तो मिक्स कर देते हैं, गोलमोल हो जाता है, ऐसा लगता है सब एक सरी की चीजें हैं, अंतर है सब में और स्पष्ट अंतर है। यहाँ मोह के स्वभाव को, मोह के भेदों को बता रहे हैं, मोह से जीव कैसा दुखी होता है, कैसे आकुलित होता है, आत्मा में मोह का क्या इफेक्ट आता है, कैसे आकुलित और दुखी होता है बता रहे हैं।
अगली गाथा में बंधन बताएंगे, बंधन शब्द पकड़ना चाहिए अपने में थोड़ा सा। अगली गाथा में क्या बताएंगे, बंधन, मोह का कार्य बंध है, बंध अच्छा नहीं है, इष्ट है कि अनिष्ट है, अनिष्ट है, इसलिए अनिष्ट का कारण होने से उसको क्षय करो। सब क्षय कर दिया हमने तो हम तो समझ रहे क्षय हो गया हमारे, तो फिर चिन्ह बताए कि देखो क्षय हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए हम चिन्ह बताते हैं, ये इसके चिन्ह है मोह के, अब इन चिन्हों से पहचानो कि तुम्हारे मोह का क्षय हुआ है कि नहीं हुआ। कारण क्या है, जिसको अपन मोह के नाश का चिन्ह समझते हैं उसमें हम मोह का चिन्ह बताएंगे। पढ़ेंगे अभी अपन आगे, अभी आंखें खुल जाएगी, ये क्या कह रहे हैं। वो आगे आएगा, अभी तो क्या चल रहा है, मोह, मोह का स्वभाव और मोह के भेद। तो मोह के स्वभाव और भेद से ये बता रहे हैं मोह की कैसा कैसे आकुलित होता है उससे। मोह दुख का कारण है पहले ये सिद्ध करो, मोह से बंद होता है सिद्ध करो, फिर अब मोह के चिन्ह बताओ, और फिर अब हम सर्वशक्ति लगा के मोह को क्षय करें। उपाय बता भी देते तो उससे क्या है, हमें लगता ही नहीं कि उससे भी नुकसान हो रहा है। मोक्ष का उपाय लगे ही नहीं कि मोक्ष के बिना कोई नुकसान नहीं। संसार के नाश का उपाय, संसार के अंदर कोई हमारा नुकसान होगा ऐसा कुछ लगे ही नहीं, तो संसार कोई बुरी चीज ही नहीं है तो क्यों छह करे फिर पकड़, मजा आ रहा है यहाँ पे और हमको मोक्ष भेज रहे हैं जबरदस्त, और साथ का मजा भोग रहे हम तो घर पे रोज नए नए भोग व्यंजन बना रहे हैं, और यहाँ ये कह रहे हैं संसार का क्षय कर, काय के लिए क्षय कर, इनको कराना इनका क्षय दे कर, क्षय क्यों करें, मोह राग द्वेष क्यों क्षय किए जाए। हमें तो लगता है मोह राग द्वेष के बिना आत्मा जिंदा ही नहीं रह सकती, मोह राग द्वेष के बिना आत्मा का अस्तित्व कैसा, मोह राग द्वेष तो ही आत्मा को सुखी करते हैं, बोले मोह राग द्वेष तो रखने लायक है। तो इसलिए ये उपाय में नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि इसको इसको वो उपाय की अड़ी नहीं। क्या मोह के क्षय का उपाय बताया है किनको, जिनको क्षय करने की इच्छा ही नहीं, जिनको इच्छा है उनके लिए उपाय है, वो है क्षय करने की इच्छा, मोह को क्षय करने की इच्छा है। सारे काम कैसे करते हैं, मोह बढ़ाने की क्षय करने की इच्छा है, खुद ही कह रहे सब काम ऐसे ही करते हैं, फिर भी काम ऐसे ही करते हैं और फिर भी कह रहे हैं हमको मोह का क्षय करना है। क्या कहते हैं समझ नहीं आता, क्यों मोह के क्षय करने का उपाय क्या है, अनंत को जान के द्रव्य को पर्याय से जाने, उपाय है ना राग द्वेष के नाश करने का उपाय, प्रमाद रहित हो। अब ये जितने भी अपन घर जाके उपाय कर रहे हैं अनंत को जानने के लिए कर रहे हैं, घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अभी 10 बज जाएंगे तक। तो इसलिए ये तो केवल रूढ़ी निभा रहे हैं, असली में मोह का क्षय किसी को करना ही नहीं है, तो इसलिए वो होता ही नहीं, करना हो जिसको तो क्षय कर, जिसको मोह का क्षय करना ही नहीं है हम उसको उपाय बता रहे, ये उपाय है सबसे महत्वपूर्ण गाथा है, ऐसा है वैसा है दुनिया भर की बातें। अच्छा कह रहे हो तो समझो, जैसे अपने महिमा अपन गा रहे हैं, महिमा सुनने वालों को लगनी चाहिए ना, ये कोई बहुत बड़ा उपाय है। क्या यही लॉटरी खुल गई अपनी, लॉटरी खुल रही है यही, जब ये लॉटरी खुली रही है तो अब दूसरी लॉटरी कौन सी चाहिए जिसके लिए यहाँ से भागे। भाई एक बात बताओ कि मोह के क्षय होने के बाद में तुम्हारा कौन सा काम बचेगा संसार, तो बचा क्या, तो मोह के क्षय का उपाय तो वही तो उपाय करो ना, दूसरे ये सारे संसार के उपाय की आवश्यकता क्या है,
सचमुच में यदि वो उपाय करेगा तो मुक्त होगा, लेकिन उपाय करता ही नहीं। तो इसलिए यहाँ दूसरी अगली गाथाओं में एक बार फिर बता दिया, फिर वही बात को ले आए कि भाई मोह से कैसे क्षुब्ध होता है, आकुलित होता है, दुखी होता है, क्या करे। बार बार जितना उपाय के ऊपर बल दिया उससे ज़्यादा बल इस बात पे दे रहे हैं कि मोह से आदमी परेशान है। कारण ये है कि ये उपाय तो 5 मिनट का काम है, समझ लो। पहले तो उपाय की अड़ी पड़ी हो तो समझ में, इसलिए देखो दुख का वर्णन इसलिए करती जिनवाणी खूब, क्योंकि इसको दुख से छूटने के अड़े लगे तो सही, बासी नहीं हो तो क्यों छूटने का उपाय करे। बंधन है संसार का, कर्मों का। कर्म की इतनी चर्चा क्यों है कि कर्मों का बंधन है, तो बंधन लगे तो उससे छूटने का उपाय करे। आज की तारीख में तो आदमी को कोई बंधन लगते ही कहाँ है। अधिकांश लोग तो साता के आनंद को भोग के संसार में दुखी नहीं मानते कि कोई दुख है, इसलिए कोई संसार के नाश के उपाय में लगते ही नहीं। दुख भासता ही नहीं, कोई दुख नहीं है। साता का उदय और मिल गया क्या, सब अनुकूलता लगी हुई है एक के बाद एक, खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे हर जगह हर चीज साधन सुविधाएं जुटा रखी आदमी ने, जरा भी तकलीफ नहीं भोगता तो कहीं कुछ उसको ऐसा लगता ही नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। तो अब ऐसे में कहाँ मोक्ष वोक्ष की आवश्यकता है, सब ठीक ठाक चल ही तो रहा है। तो इसलिए और खासकर मोह, तो मोह में तो मरा जा रहा है, मरा जा रहा है। अरे करने जाते हैं लोग, लोग तो इतना अच्छा मानते कहीं तो आंखों में आंसू आ जाते, उसका याद करते नाम लेते, माँ समझती मेरा कितना बेटे से प्रेम है, बेटा समझ कितना प्रेम। अरे रिश्तेदारी निभाने जाते लोग ऐसे गर्व से होता था, कल हम नहीं आएंगे पंडित जी, ने तो क्या हुआ, शादी में जाना है ठीक है, तो क्या ऐसे जा ऐसे बोलते हैं वो, जैसे कोई दीक्षा कल्याण में जा रहे हैं, कोई तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, कल नहीं आए। कहाँ जाओगे, किसकी शादी है, कि वो हमारे जो कजिन है ना, हमारे बुआ की लड़की है ना, उसकी जो देरानी है ना, हाँ फिर वो दो चार रिश्ते बता देते हैं, मेरा दिमाग खराब हो जाता कई बार तो समझ ठीक है यार, तुम शर्म नहीं आती एकदम, कहाँ किसकी, और तुम मरने की तरह कगार में बैठे हो, 5-7 दिन बचे थी तुम्हारे, मैं तो रोज देखता रहता हूँ, सोचता हूँ कल आएंगे कि नहीं आएंगे। सच में उनकी तबीयत भी ऐसी, और तुम ये बातें कर रहे हो, क्या करे साहब, रिश्तेदारी तो निभानी पड़ती ना, वो अपने खास है बिल्कुल, वो हमारी सब शादियों में आए थे, हमको भी जाना ही पड़ेगा। और कहाँ यहाँ से 12-12 घंटे की ट्रेनों में बैठ बैठ के, उन्होंने रिजर्वेशन के ठिकाने में कुछ तो भी जाए ना, बोलो हो जाएगा तत्काल में करा लेंगे, नहीं करा लेंगे सब करके, और यहाँ से छुट्टी लेके चले जाने आ रहा। यहाँ तो मैंने कहा तुम तभी बैठते हो जब कोई शादी ब्याह नहीं होती, तो बरसात के मौसम में फुर्सत रहती सब सब आ जाते हैं, वो तो मैंने इसलिए कह रखा उनको क्योंकि वो क्या है वहाँ आके सबसे पहले जिनवाणी रखते हैं। तो मैंने कहा तुम कभी नहीं आओ तो बता दिया करो, क्योंकि कोई और दूसरे को व्यवस्था संभाल दो, तुम्हें माइक लगाना है, टेबल लगाना है, नहीं तो 10 मिनट हमारे को, इसलिए ऑर्डर दे रखा है एक तरह से। तो भी बड़े गर्व से कहते कल हम नहीं आएंगे, कल दूसरा दिन, परसों भी नहीं आएंगे, 2-3 दिन तो हमारे को लग जाएंगे। मोक्ष प्राप्ति का उद्यम चल रहा है जैसे, फिर अपनी बता रहे हो कि हमारी इतनी रिश्तेदारी है आपको क्या बताए, मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा काम है भैया, लक्ष्मी है, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और मतलब अभी उद्देश्य नहीं बना है ना, वो तो आके सुन भी रहे हो तो क्या कर रहे हो उससे, 1 घंटा धर्म ध्यान भी जो कर रहे हैं वो इतने ही हैं कि भाई 1 घंटा आके अपने को सुनना है, इसके लिए सुन रहे हैं,
सुनने के लिए, सुनने के लोभ से सुन रहे हैं, एक घंटा कम से कम धर्म ध्यान में जाए, बाकी उसको उनको कोई करना होगा, टाइम पास कर रहे अपना, ठीक तुम तुम्हारा करवाओ। जिस आदमी को सचमुच अंदर से यदि तड़प लगी हो तो उसको यूं ही विरक्ति उत्पन्न हो जाती है कि ये क्या काम कर रहा हूँ, क्या संसार के काम फीके लगते हैं, काल सो कुटुंब काज, काल सो कुटुंब काज, कुटुंब के काज के अलावा काल माने मोह दिखती है, ये लिखा है बनारसी दास जी, काल सो कुटुंब काज, लोक लाज लाल सी, लोग की लाज जो है, लोग क्या कहेंगे उसको, लाज जैसी लगती है, जैसे लाज चाट रहा हो कोई आदमी, ऐसे लोग लाज को चाट रहे हैं, ऐसी स्थिति है ये, परंतु है छह, इसलिए कह रहा हूं मैं कि ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है अभी, ऑब्जेक्टिव बनाओ पहले, ऑब्जेक्टिव ये क्या है, ऑब्जेक्टिव ये बने कि मोह का क्षय करना ऑब्जेक्टिव है, कर्म बंधन से मुक्ति पाना ऑब्जेक्टिव है, कितना बताया जिनवाण ने, कितनी प्रकार से पहले दुख का ही वर्णन किया, छेड़ाला ने सबसे पहले दुख का ही वर्णन किया था, और कर्म कांड पूरा इसी पे समर्पित है कि हे जीव तू कर्म बंधन से बंधा हुआ है, बंधन है संसार, बंधन से दुखी है, दुख है तो दुख के छूटने का उपाय कर, यह अवसर तुझे मिला है, कर्म बंधन है तेरे, 24 घंटे कर्म बंध रहे हैं, बंधन से तू निरंतर बंध रहा है, बंधन से मुक्ति प्राप्त करने का विचार कर, गोल बनाया ना अपने को, ऑब्जेक्टिव, नहीं तो कुछ नहीं होएगा ज्यादा, ये होगा कि अपन कम से कम कुछ संस्कार आएंगे तो धीरे धीरे करके वापिस पुनः वैसे के वैसे हो जाए, थोड़ी शिथिलता आई धीरे धीरे पुनः वैसे एनालिंग, जैसे पहले था वैसे, देखो पढ़ता हूँ मैं, समझ में आया ना, तो ये उन्होंने इसलिए मोह के राग का और द्वेष का अच्छे स्वरूप बता रहे और उनको दुखकारी बता रहे बार बार, ताकि उनके नाश की सोचे हम, उदाहरण दिया था एक उन्होंने किसके, धतूरा खाए हुए मनुष्य की बात, धतूरा खा के बोला जाता आदमी, ऐसे जिसको मोह है वो बोला है वो आदमी, क्या तत्व प्रतिपत्ति लक्षण मोह उसके काय में द्रव्य गुण पर्याय में, मैंने द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता है, तत्व प्रतिपत्ति माने उनका जो स्वरूप है, तत्व माने वह, तो माने उनका पना, उनका स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय का जो स्वरूप है उसमें क्या है, उसको अज्ञान है, माने उसके यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है, कैसे नहीं जानता है, कि पर द्रव्य को स्वद्रव्य रूप से ग्रहण करता है, पर गुण को स्वगुण रूप से समझ कर अंगीकार करता है, पर पर्यायों को अपनी पर्याय मानकर ग्रहण करके अंगीकार करता है, और ऐसे संस्कार इसके बहुत रूढ़ है, ये आजकल के नहीं है, ये रूढ़ है, मतलब मोह को लाने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं, चल रहा कुछ करना ही नहीं है, संस्कार है कोई संसार में, मतलब अपराध जीव ऐसे कर रहा है जैसे उसको कोई ये भी नहीं लग रहा है कि कोई इसमें अपराध है, सब चल रहा है आराम से, काम से संसार का काम कर रहे हैं हम, पुरुषार्थ कर रहे हैं, दुकानदारी जा रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं, संस्कार है, रूढ़ है इसके अनादि के संस्कार, इसलिए उन्होंने कहा अति दृढ़ रूढ़, अति रूढ़ दृढ़तर संस्कार के कारण पर द्रव्य को सदा ग्रहण करता हुआ, यहाँ तक अपन ने पढ़ा था, आगे चलते थे, दग्ध, दग्ध माने जली हुई हल्की शापित, दग्ध, दग्ध माने जल गया जिसका, कहते ना जली हुई रस्सी, जली हुई रस्सी, ऐसे दग्ध माने जिस जल गई है, ऐसी जल गई हो, भुन गई हो बिल्कुल, जिसमें कुछ तथ्य नहीं बचा है, ऐसे दग्ध है, ये द्रव इंद्रिया ने जड़ उद्गल है, जली हुई है रस्सियों के समान, कुछ शक्ति कुछ नहीं है इनमें, जैसे जली हुई रस्सी बांधने का काम नहीं करती, ऐसे ये इंद्रियां इस जीव के लिए कुछ भी ज्ञान और आनंद का काम नहीं करते, इसलिए उसको उपमा दिए कि ये तो जड़ दग्ध है, जली हुई समान है, कौन
इंद्रियां दग्ध इंद्रियों की, लेकिन उनकी रुचि बहुत है। है तो इंद्रियां दग्ध, कुछ भी नहीं, जड़ उद्गल है, क्या स्वयं का शरीर उद्गल है, अन्य अन्य जो जो कुछ दिख रहा है सब उद्गल है। लेकिन आश्चर्य क्या गजब है, चैतन्य ज्ञान स्वभावी आत्मा उद्गल में मोहित हो रहा है, दग्ध इंद्रियों की रुचि के वश से अद्वैत में भी द्वैत प्रवृत्ति करता हुआ। सारे ज्ञान के गे गे है, अद्वैत है, अद्वैत माने उनमें कोई दो पना नहीं है। क्या दो पना नहीं है? कि वे जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन उस अद्वैत में क्या करता है, द्वैत। द्वैत कैसे करता है उसका उदाहरण दिया गया, रुचिकर अरुचिकर विषयों में राग द्वेष करके। मैंने द्वैत क्या किया, इसने कोई को माने अच्छे और कोई को माने बुरे, ये द्वैत कर दिया। क्यों कि भाई साहब उनका परिवार कैसा, परिवार बता दो, देखो उनकी जो माँ है ना वो तो बहुत अच्छी है, और पिताजी महादुष्ट, जबरदस्ती की दे। हम वो कह रहे हैं कि ये तेरे खोपड़ी में ये सब बातें क्यों चलती रहती, मैंने क्यों तेरे को कोई विषय रुचिकर और कोई विषय अरुचिकर प्रतीत होता है, जब वो केवल तेरे ज्ञान का गे जानने में आता हुआ एक सामान्य गे, तो तू उसमें द्वेत क्यों करता है? जैसे भगवान सारे गेयों को मध्यस्थ लेकर जानते हैं, उसमें राग द्वेष नहीं करते, द्वेत किया क्या मतलब? तो मोह के निमित्त से, वही तो अपन क्षय करने की बात कर रहे हैं, ये अपन वस्तु का स्वरूप समझने का यही पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये ख्याल में है, बार बार याद करेंगे तो संस्कार जाएंगे ना। देखो जितने अनंत काल से अपन ने राग द्वेष किए तो उसके संस्कार अति दृढ़ है, और अपन जब उल्टी बात सुनेंगे, ये परद्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं है ये बार बार सुनेंगे, तो उन संस्कारों पे चोट पड़ेगी, चोट पड़ेगी तो धीरे धीरे अपने को राग द्वेष कम होंगे, कम होते होते क्षय को प्राप्त होंगे। ये तो निरंतर उसका अभ्यास लगे, जैसे ही वो रुचिकर लगे तो अपने को ख्याल आए कि ये केवल जानने योग्य है, अरुचिकर लगे जानने योग्य, कि प्रेक्षा योग्य है, देखने जानने योग्य है। जैसे भगवान विषयों को जानते देखते हैं, लेकिन किसी में भी द्वैत बुद्धि माने ये अच्छा है और ये बुरा है ऐसी बुद्धि नहीं करते, और अपन तो कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसमें अपनी रामायण चालू हो जाती है, बस कहीं कहीं वर्णन चालू करो अपन, अरे वो तो बहुत अच्छी चीज़ और वो बहुत तो बुरी चीज़, ये अच्छा है बुरा है। हम कभी भी किसी के भी बारे में अच्छे बुरे की टिप्पण करने से बाज नहीं आते, हम ये कहते ही नहीं कि हाँ सामान्य है, ऐसे आदमी है, उद्गल है, क्या पदार्थ है, ये नहीं कैसा है पदार्थ क्या। लेकिन अपन तो जैसे ही मिल गया अपने को मसाला, वो तो ऐसे है, हम बोलने की बात नहीं, अंदर में बराबर मतलब राग द्वेष किए बिना मन ही नहीं मानता क्या। अभी कुछ है नहीं जिसमें कुछ भी, मैंने सब औकलिक सारे पर पदार्थ है, ज्ञान के मात्र के हैं, लेकिन ये पता नहीं क्या है, ये इनकी जली हुई इंद्रियां, एक तो खुद मरी हुई लेकिन फिर भी इनकी ऐसी रुचि लगी हुई है कि शरीर में, और इंद्रियों की शरीर में रुचि है और इंद्रियों की रुचि है, जिसके वश से ये इन विषयों में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि करके और राग द्वेष रूपी द्वेत से प्रवृत्ति करता है, द्वेत करता है। अद्वैत होना चाहिए, अद्वैत माने मध्यस्थ, पार्श्वनाथ भगवान को कमठ के प्रति, धरणेन्द्र के प्रति द्वैत था कि अद्वैत था? अद्वैत था, दोनों उनके ज्ञान के गे थे। क्या कमठ के प्रति ऐसे देखे उन्होंने धरणेन्द्र से, दृष्टि में फेर नहीं था, बाहर दिखाने की बात नहीं है, अंतरंग में उनके अंदर उन दोनों के प्रति कोई अंतर नहीं था कि ये ऐसा है और ये ऐसा है, इस तरह की मतलब इस दृष्टि से उन्होंने उनको देखा ही नहीं,
उन्होंने उन दोनों को कैसे देखा, ये दोनों चैतन्य द्रव्य हैं क्या, अपनी अपनी पर्यायों में लीन है और अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सब जीव अपने अपने मगर, कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है, दुनिया है अपना अपना काम कर रही है, इसने अपना काम कर रहा है, उसमें राग द्वेष बुद्धि नहीं करते। और ये क्या करता है, पर द्रव्य कोई सदा ग्रहण करता हुआ दग्ध इंद्रियों की रुचि के वश से अद्वैत में भी द्वैत प्रवृत्ति करता हुआ, रुचिकर और अरुचिकर, जो रुचिकर लगते हैं जिसमें किसी को अच्छा मान के और किसी को बुरा मान के, किसी को इष्ट मान के किसी को अनिष्ट मान के, इष्ट अनिष्ट है नहीं, यदि इष्ट अनिष्ट वस्तु हो और ये इष्ट अनिष्ट माने तो वो मिथ्या चरित्र नहीं होता, सम्यक चरित्र रहेगा। यदि चीज अच्छी है और हम यदि अच्छी माने तो इसमें गलत क्या है, यदि चीज बुरी है और हम बुरी माने तो अपराध क्या है, यदि राग द्वेष करने योग्य वस्तु है इष्ट अनिष्ट है और हम राग द्वेष करें उनमें तो गलती क्या है, यदि कोई क्रोध करने योग्य है और हम उस पर क्रोध करें, यदि किसी कोई वस्तु लालच करने योग्य है और हम उसका लालच करें, यदि हम किसी वस्तु के निमित्त से हम बड़े होते हो और हम अपने को बड़ा माने क्या, तो कोई यदि ऐसा है माने कोई ऐसी वस्तु हो जिससे हम वास्तव में अलग हो जाते हो, हम बड़े हो जाते हो और हम बड़ा माने यदि उससे, तो कोई गलत तो ही नहीं, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि ना तो कोई वस्तु क्रोध करने योग्य है, न कोई वस्तु लालच के योग्य है, न किसी वस्तु से हम अपने को बड़ा मानने योग्य है, और फिर भी हम मानते हैं तो हमारी भूल है, लालच करते हैं तो भूल है, क्रोध करते हैं तो भूल है। क्रोध मान माया लोग यदि सच्चे परिणाम होते तो फिर क्रोध मान माया लोग सम्यक चरित्र कहलाता, लेकिन क्रोध मान माया लोग झूठे हैं, जिस पे क्रोध कर रहे हैं वो क्रोध करना बेकार है, क्योंकि वो हमारे बुरे का कारण नहीं और हम जबरदस्ती क्रोध कर रहे हैं, हम जिसको अपने सुख का कारण मानकर जिसकी प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं वो हमारे सुख का कारण नहीं और हम जबरदस्ती लोप कर रहे हैं, जिससे हम अपना नाप कर रहे हैं कि हम बड़े हैं छोटे हैं, वो नाप हमारे नाप का कारण ही नहीं और हम उससे नाप करके अपने को व्यर्थ में बड़ा छोटा अनुभव कर रहे हैं, तो झूठा है, मैंने ये झूठी माया हुई ना, हम जबरदस्ती हम किसी चीज से अपने आप को बड़ा छोटा मान रहे हैं जबरन में, क्या पड़ोसी के मकान में चले गए और जबरदस्ती अपने आप को महान मानने लगे, तो भ्रम है, लोग कहेंगे भ्रम है, इससे क्यों महान मान रहे हो अपने को, कुछ ना कुछ भ्रम हो गया तुम्हारे को अपनेपन का कि ये मेरी है, इससे तुम अपना नाम करने लग गए और इसलिए तुम अपने को बड़ा मानने लग गए, आंख खोल के देखो तो ये पड़ोसी का है, इसमें तुम्हारा क्या है, तो अब बड़ा मानना और छोटा मानना मूर्खता है ना, पड़ोसी के मकान में झाक झाक के दिखा रहे कि देखो देखो कैसा हो गया आज हमारा मकान, तो उसने कहा तुम्हारा नहीं ये पड़ोसी का है, गलत नंबर पे आ गए तुम, तो ऐसे ही ये जीव पर के निमित्त मतलब पर को अपना मान के और उसके निमित्त से अपने को छोटा बड़ा मान लिया जबरदस्ती, जो चीज इसकी है ही नहीं और इसके पता नहीं क्या भ्रांति हो गई और उसके निमित्त से अपने को बड़ा छोटा मान लिया, तो ये कषाय करना यदि यथार्थ होता तो कषाय सम्यक चरित नाम पाता, लेकिन कषाय बिल्कुल झूठा है, जिसपे ये क्रोध करना लायक ही नहीं है, जिसके निमित्त से मान करना चाहिए वो मान, जिसके निमित्त से मान करता है मान करने लायक ही नहीं वस्तु, वो इसकी है ही नहीं, और जिसका छल जिसके लिए छल कपट करता है जिसके लिए लालच करता है वो वस्तु की कोई इसको इसकी आवश्यकता ही नहीं है, इसको सुखी होने के लिए पदार्थों, जिसका लोभ कर रहा है वो इसके सुखी होने में कारण नहीं, जिसके निमित्त से अपने को बड़ा मानता है वो इसको बड़ा बनाते नहीं, और जिसको अपने दुख का कारण मान के क्रोध करता है वो इसके दुख के कारण नहीं, समझ में आ रही की बात, पर द्रव्य को अनिष्ट मान के उस पर क्रोध करता है ना, पर द्रव्य अनिष्ट है नहीं, पर द्रव्य को इष्ट मान के उस पर राग करता है वो पर द्रव्य इष्ट है नहीं, पर द्रव्य से अपने को बड़ा मान के अपने को छोटा बड़ा मानता है वो पर द्रव्य इसके है नहीं, अब ये तीनों बुद्धि
क्रोध मान और लोभ की झूठी हुई कि नहीं हुई बताओ। इसलिए कहा उन्होंने कि रुचि और अरुचि कर विषयों में राग द्वेष की प्रवृत्ति झूठी है, मिथ्या चरित्र है। क्रोध मान माया लोभ मिथ्या चरित्र क्यों है? क्योंकि क्रोध मान माया लोभ करना मिथ्या है, झूठा है, उनको करके कोई सिद्धि नहीं है, मैंने वो एकदम यथार्थता को नहीं है, अयथार्थ है, झूठ है, गलत काम। क्रोध रूप प्रवृत्ति गलत है, मान रूप प्रवृत्ति भी गलत है और लोभ रूप प्रवृत्ति भी गलत है, ऐसे माया भी लगा लगा जिसके लिए छल कपट कर रहा है उस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, छल कपट कर रहा है जबरदस्त अपनी मौत के लिए छल कपट कर रहा है। जैसे क्या है कोई डब्बे में अच्छा सोने अच्छा बिल्कुल एकदम ऊपर से ऐसा लगा बिल्कुल जैसे कोई अंदर हीरा रखा हो और डब्बे के अंदर एकदम पेक कर रखा और ये सोच रहा है कि इसके अंदर हीरे की पोटली रखी कैसे चुराऊं, तो सामने वाले को छल कपट से दूर कर दिया, देखा कोई भी नहीं है, पूरा छल कपट से और ऐसे टाइम पे आया बिल्कुल जमा कोई नहीं और वहाँ में पोटली में एक सांप भरी होती। अब अपनी छल कपट सब किया लेकिन काहे के लिए, अपने आप को कटाने की, अपनी मौत के लिए छल कपट किया उसने। ऐसे जीव अपने आप कर्म बंधन में डालने के लिए छल कपट कर रहा है, स्वयं अपने अहित के लिए छल कपट करता है जिससे स्वयं का अहित होता है। रुपये पैसे की प्राप्ति के लिए छल कपट करता है, परिग्रह जोड़ने के लिए, पाप करने के लिए छल कपट करता है, खोटी गति में जाने के लिए छल कपट कर रहा है, अहित करने के लिए छल कपट करता है, हित के लिए छल कपट करता है, अहित के लिए अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए, अपने इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए, दूसरे का बुरा करने के लिए छल कपट करता है, वो भी मिथ्या। तो ये सब मिथ्या है, इसलिए राग द्वेष प्रवृत्ति मिथ्या है। तो किसी को रुचिकर मानना मिथ्या है, किसी का रुचिकर मानना मिथ्या है। रुचिकर वस्तु होती है और हम रुचिकर मानते तो वो मिथ्या नहीं होता, सम्यक होता। वस्तु अरुचिकर होती है और हम अरुचिकर मानते तो वो मिथ्या नहीं होता, सम्यक होता। कोई चीज़ बुरी हो और हम उसको बुरी माने तो गलत क्या है? अच्छी और अच्छी को अच्छी माने तो क्या गलत है? लेकिन अच्छी और बुरी कुछ है नहीं और हम अपनी बुद्धि से उसको अच्छी बुरी मान रहे हैं, इसलिए वो मिथ्या चरित्र है। कोई अच्छी चीज़ बुरी चीज़ बताओ, कोई एक आध चीज़ का नाम बताओ जो सबके लिए अच्छी हो। रुपया अच्छा है? रुपया, मैंने रुपए को खिड़कियों से फेंकते हुए सुना है कि लोगों रुपए को खिड़की से फेंक रहे थे, जो पड़ा था वो कैसे भी करके फेंको, बाहर निकालो इसको, क्या खुद ही ने आग लगा दी, क्या जल्दी से जल्दी नष्ट हो। जिस रुपए को इतना इष्ट मान रहे थे वो रुपए बोले रह नहीं जाए, यदि एक दो भी गड्ढिया एक्स्ट्रा रह गई तो तकलीफ में आ जाएंगे, कुछ नहीं रहना चाहिए। झगड़े हो जाते हैं कई लोग, झगड़े हो जाते हैं, पिता रोता है ये पैसा कहाँ इनके लिए देके जा रहा हूँ, ये रात दिन इसके मारे क्लेशित हो रहा है, आग लगा दो बड़े से। गुस्सा आता आदमी घर के संग, घर के अंदर कला और क्लेश मच जाते तो आदमी क्या हो रहा है, ऐसे पैसे को आग लगा दो जो घर में आग लगा रहा हूँ। उसके निमित्त से मौत हो जाएगा, सोना चांदी ज्वेलर ज्वेलरी अच्छी लगती कि नहीं, खरीद के लाए वाकई निमित्त से लोग आ गए। एक किस्सा हुआ अभी किसी ने बताया बहुत साल पहले, कितने टाइम कोई अपनी जैन बहन वो लेके आई, अब वो बेचारी दिखा पाई कि नहीं दिखा पाई उसके पहले ही किसी को पता चल, तो जो जिसको दिखाना था वो तो दिखे नहीं, लोग जिसको तो जो उसको पता चल गया तो अगले दिन आएगी चोरी करने, उसको इतना गहनों से इतना प्रेम था उसने दिए नहीं, तो उसके शरीर पे चौपन कहते चौपन उसके शरीर पे चाकू के घाव चौपन, पूरा जो कमरा था खून खून में था लबालब, मर गई उसने, घर वाले सब रो रहे हैं गहने मौत के कारण,
बनते हैं लोग, ये जितने सुख के कारण बनते हैं दुख के कारण बन जाते हैं। आजकल तो मंदिरों के बाहर पर लगे रहते लोग, हर मंदिर की वहाँ घटना सुनी मैंने, एक नहीं प्रवचन में ही, एक हमारे प्रवचन में आती है लाल मंदिर में बेचारी के ले गए को, मैंने तेल की क्या आती मोह के छह तो एक तरफ हो गया उनके, तो यही चिंता बाद में बोले मेरे साथ क्या हो गया, क्या बताएं क्या हो गया, मैंने खुद नहीं दिए ले जाके। तो भाई यहाँ किसको दिखाना, पंडित जी भगवान को, यहाँ ये कोई जगह है यहाँ पेन के आने की? और यदि आ रहे हो तो मान के चलो, मैंने कहा वो तुम्हारे लिए कल तक कितना अच्छा लगता था, अब आज क्या हो गया, वही रकम जो कल तक बहुत अच्छी लगती थी, अब वो आज उसकी प्रवचन में बैठने के बाद में भी आधे घंटे बाद मेरे को लगा कुछ प्रश्न पूछना होगा तो कुछ पूछेंगे, इसलिए खड़ी होंगी। तो ये बोले इसके दुख का उपाय क्या है, दुख के नाश का कुछ नहीं है, नहीं कोई नाश का उपाय है। भाई ये तो है ही इसका जंजाल का कारण है और काय का कारण, कुछ मत पहनो ले जाए तो भेजा क्या करेगा, क्या आकुलता का जो जो चीज तुम्हें को क्षण भर में रुचिकर लगती इष्ट लगती है, वही वस्तु क्षण भर में अपने को चली जाए तो वो वस्तु की याद भी अपने को अनिष्ट लगती है, लगती नहीं लगती है क्या? तो कौन सी वस्तु इष्ट है जो तुम्हें सुख का कारण है बताओ, जब तक पास में सुख का कारण वो चली जाए तो जैसे उसका नाम भी लो, अब वो 5 साल बाद भी मैं वो दादी जी को नाम भी लूंगा ना चेन का, चित्त दुखी हो जाएगा एकदम। तो इसलिए व्यर्थ में उन विषयों की रुचि करते हैं जिन जो दुख के कारण, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये रुचि करना अपना बेकार, और किसी में अरुचि करना भी बेकार, ना कोई वस्तु रुचि लाएगी ना अरुचि लाएगी, रुचिकर अरुचिकर विषयों में राग द्वेष करके। फिर इतना बढ़िया उदाहरण दिया है, अति प्रचुर जल समूह के वेग से प्रहार को प्राप्त सेतु बंद पुल की भांति, पुल है पुल और बहुत तेज पानी का प्रहार आया उस पे, प्रचुर जल के समूह के वेग से प्रहार को प्राप्त सेतु बंद की भांति, क्या हुआ जब क्या होएगा, खूब तेज पानी का प्रवाह आएगा उस पे पुल पे तो क्या होएगा, पुल के दो टुकड़े हो जाएंगे एकदम, दो भागों में विभाजित हो जाएगा पुल, पूरा पुल छुप्ध हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े दो तो क्या, बाद में इतने टुकड़े होएंगे कि ढूंढने को मिलना मुश्किल है, पानी का प्रवाह बहुत तेज होता है, इतनी तेज स्पीड से आता है ना जब वो ठा ठड़ा थड़ा बहुत स्ट्रेंथ होती है, तोड़ मारता है बीच में जो कोई आया, पुल पुल उसके लिए क्या है, टूट जाता है, अच्छे अच्छे पुल टूट जाते, अति प्रचुर जल समूह के वेग से प्रहार को प्राप्त सेतु बंद पुल की भांति दो भागों में खंडित होता हुआ अत्यंत क्षोभ को प्राप्त था, जैसे पुल दो भागों में खंडित होता हुआ क्या हुआ, नष्ट हो जाता ना, ऐसे ये भी राग और द्वेष ऐसे दो भागों में खंडित होता हुआ अत्यंत क्षुब्ध होता है, मैंने कभी राग करके दुखी हो जाता है, कभी द्वेष करके दुखी हो जाता है, पहले अकेला कुछ भी नहीं था क्या, मैंने पहले किसी वस्तु में जैसे राग द्वेष प्रवृत्ति नहीं थी तो अच्छा आराम से था, निराकुलता में था, और अब जैसे ही उसने राग द्वेष किया और क्षोभ को प्राप्त हुआ, बस खंडित हो गया, नष्ट हो गया, अब वो आकुलित हो गया भयंकर, जैसे जल समूह से प्रहार को प्राप्त वो पुल के दो टुकड़े होकर वो पुल नष्ट होता है, ऐसे राग द्वेष से प्रहारित राग द्वेष के प्रहार से ये भी क्षोभ को प्राप्त होता है, इसलिए मोह मोहिनी अकेला, ये मोह के बाद में राग और द्वेष, माने वो अत्यंत तीव्र पानी का प्रवाह तो हुआ मोह मानो, और उससे दो भागों में बढ़ गया, माने किसी में राग करने लगा और किसी में द्वेष करने लगा, और ऐसे राग द्वेष करके स्वयं अपने आप को क्षुब्ध आकुलित कर लेता है जबरदस्ती, अकेला था कोई राग द्वेष नहीं करता तो शांति में था, कोई दिक्कत ही नहीं, जहाँ राग किया तो उसकी प्राप्ति के लिए फिर आकुलित हो गया,
भाई कोई वस्तु देखी अच्छी लग गई, बस फंस गया चक्कर, अच्छी लगी मतलब ये बंधन में फंस गया। बंधन को प्राप्त होगा तो अच्छी वस्तु बांधेगी इसको, और बुरी लगी तो भी बांधेगी, बुरी के लिमिट से दूर होने की कोशिश करेगा तो भी बांधेगा। और मोह से तो बनता ही है, मोह के लिमिट से अच्छी लगने लगती है, प्रीति करता है कि अपना मानने लगता है, अपनी चीज को एक पर वस्तु को अपना मानता है और उसको अपनाने की कोशिश करता है तो दुखी होता है, अपनाने की कोशिश करता है तो दुखी होता है, पर में प्रीति करके उसको प्रेम करता है तो दुखी होता है, प्रेम करके भी अपनाना चाहता है ना फिर, और पर में बुरा मान के उसको दूर करना चाहता है तो दुखी होता है। बुरी बुरा है दूर करना अपने हाथ में नहीं, लाना अपने हाथ में नहीं, दुखी दुख प्राप्त होता है। इससे मोह राग और द्वेष इन भेदों के कारण मोह तीन प्रकार का, तीन प्रकार हो गए, एक तो तत्व प्रतिपत्ति लक्षण मोह और दूसरा राग और द्वेष। राग और द्वेष क्या है, दग्ध इंद्रियों के विषय, दग्ध इंद्रियों की रुचि के वश से अद्वैत में भी द्वैत प्रवृत्ति करता हुआ रुचिकर अरुचिकर विषयों में राग द्वेष, इसका नाम रुचि और अरुचि, किसी में रुचि और किसी में अरुचि, ये राग द्वेष रूप लक्षण है। काय के निमित्त से दग्ध इंद्रियों का, इंद्रियों की ऐसी रुचि मतलब इंद्रियों में ऐसा अपनापन पड़ा हुआ है कि इंद्रियों के विषयों में अच्छा और बुरे की बात भेद किए बिना मानते ही, इंद्रियों में अपना पड़े ना, ये जो जली मुर्दी इंद्रियां हैं एकदम शापित, ये शब्द दिया जो शाप से ग्रस्त है, ऐसी इंद्रियों के अंदर रुचि कर करके, शरीर में रुचि कर करके उसके जो भी विषय हैं, जो विषय ज्ञात होते हैं उन विषयों में अच्छे बुरे की कल्पना कर करके सुबह शाम तक दुखी होता है, अपने को आकुलित बनाता रहता है, खुद भी दुखी दूसरे को भी दुखी सबको आकुलित करता है। बिना इंद्रियों की रुचि के वश, बिना इंद्रियों की रुचि के राग द्वेष हो ही सकता है। राग द्वेष होते ही कारण है इंद्रियों के विषय, शरीर शरीर के निमित्त जो भी जो शरीर को रखने में निमित्त हो वो राग करता है, जो शरीर को नष्ट करने में निमित्त होते हैं उनमें द्वेष करता है, और कभी कभी तो बिना मतलब के राग द्वेष कुछ भी कल्पना करते, कारण बिना कारण राग द्वेष करना ही अच्छा लगता है क्या करें, टीवी खोल के राग द्वेष करना अच्छा लगता है, अब वहाँ कौन है कौन सासू कौन बहू क्या बिगाड़ रही तेरा कुछ, लेकिन अरे बस अपनी बुद्धि में कल्पना कर ली ये बुरी है ये विलेन है ये हीरो है ये मर जाना चाहिए, ये मर मर मार दे तू इसको मारना है सामने खड़ा, अब क्या लेना नहीं देना है एक नहीं, उसको देख देख के भाव करता रहता है, मैं होता ना तो मैं तो इसको विलेन को छोड़ता ही नहीं, मैं तो यही अभी मौका मिल रहा था इसको थी बंद समाप्त, मैं आदमी नरक निकोज जो है ऐसे ही तो ही चले जाता है, ये माँ पाप बंद करता है अपने भाव में, पता ही चलता है इसको क्या कर कर क्या कर रहा हूँ, बिना मतलब का पाप करते कि नहीं करते, मतलब का पाप कितना करते हैं 5% और बिना मतलब का 95%, बिना मतलब के राग द्वेष करता है कोई सेंस ही नहीं जिससे, अब उससे राग द्वेष करने से क्या होगा, वहाँ को भी पैसे मिले ना वहाँ को भी पैसे मिले, दोनों को पैसे मिले एक डायरेक्टर ने पिक्चर बना तुम यहाँ बैठे बैठे राग द्वेष कर ना, वो बिगाड़ने आने वाला है ना वो अच्छा करने आने वाला है, पता ही नहीं क्या है आदत लोग, अपनी खुद की जिंदगी से निपटो ना, दूसरों की जिंदगी क्यों उसको निपटाने में लगे हुए हैं, और उनकी जिंदगी तो उनका डायरेक्टर निपटाएगा, उसकी खोपड़ी लगी हुई है उसमें, तुम अपनी निपटाना, तुम्हारे अंदर ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि तुम बनाओ कोई चीज तो वो लोग देखे और तुम लोग दूसरों की देखने लग गए, मैं तुम बनाओ मतलब तुम कुछ कहो तुम्हारी चीज कोई समझे सुने तो दूसरे की सुनने समझने में लगे हो, अपन जो लोग व्यभिचारी है सप्त व्यसन में लीन है उनकी चीजें देख रहे हैं, और ये वीतरागी वन जंगल में रहने वाले आचार्य
जो कहते हैं हमने साक्षात भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी है वो तुमको बता रहे हैं, और ये सुनने के अंदर रस नहीं आ रहा है इसको, और कह रहा है मैं भगवान महावीर का भगत हूँ। काहे के भगत है ये, हैं सबके घरों में टीवियाँ हैं, टीवी सुनना है सबको, और भगवान महावीर की वाणी किसी को नहीं सुनना है, और फिर भी भगवान महावीर को भक्त है सब। जितने भी टीवी पे आ रहे हैं लोग, ये कौन कौन लिखने वाले इनकी कहानी, सब दारू पीने वाले, दिन में तीन बार चढ़ाते हैं, दिन में तीन बार, एक बार भी नहीं तीन बार। संगीतकारों का मेरे को बताया एक ने, ये बिना लिए तो इनका काम ही नहीं होता साहब। लेखक बोले पूरी फिल्म इंडस्ट्री इतनी गंदी है कि वहाँ दारू तो ऐसी होती है जैसे कोई पानी हो, उनकी हर पार्टी के अंदर होता है चीज में। तो और बोले व्यभिचार तो कोई बात ही नहीं है उसमें, और मांस ये तो कोई पाप ही नहीं है, इसमें क्या पाप है। तो कितने गंदे निकृष्ट जिनका आचरण है वह में रुचि है, वो परम वीतरागी भगवंत मुनिराज तीन कषाय चौकड़ी का जिनके अभाव, और बात किनकी सुना रहे वो, जिनके कोई कषाय नहीं, परम हितोपदेशी, तुम्हारे हित के लिए जो बात कह रहे हैं, तो तुम अपने हित की बात सुनना छोड़कर जो तुम्हारे अहित की बात करता है उसमें रुचि है, और फिर भी कहते हो कि मैं इनका भगत हूँ, काय के भगत हो बताओ। अरे मजा उसमें आता है, इनके संस्कार अपने ऐसे गजर गजर पड़ गए हैं, अपनी संगति अपने संस्कार और अपने को सुख की सच्ची पहचान नहीं है कि सुख क्या है, सचमुच अपने को थोड़ा तो विचार नहीं है, सच्चे सुख का विचार नहीं क्या है। और दूसरी बात उद्यम भी नहीं करते उस दिशा में, उद्यम करें दो पांच दिन छोड़ के देखें तो क्या नुकसान हो जाएगा मेरा इससे, भाई ये राग द्वेष तो रोज ही कर रहा हूं मैं, एकाध दिन दो पांच दिन तीन शांति से लेके देख लेना कि इसमें भी आकुलता है कि दुख क्या होता है। अपन तीर्थ यात्रा वगैरह जाते हैं, पिछले जाते हैं तीर्थ यात्रा करते हैं, घर छोड़ के कहीं जाते हैं, क्या ऐसा विषयों से दूर कोई दूर दूर लेके देखो, अशांति मिले तो बात अलग है, फिर लौट जाना, लेकिन कम से कम एक 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 ट्राई तो दो, उस पर एक चांस तो दो, जिसको कहते हैं ना लोग गिव इट एक ट्राई दो, इसको एक चांस इसको भी दो, तो एक चांस इसको भी दे दो जरा सा। मैं तो कहता हूँ एक भाव दे दो तुम, अनंत भाव तुमने विषय कषाय के लिए दिए, एक भाव कोई यदि मुक्ति के लिए दे देगा तो मुक्ति दूर नहीं है, लेकिन एक भाव भी जीव देता नहीं ईमानदारी से, कोई देता नहीं। सुनना समझना अलग बात है, और एक उसका उद्देश्य बना लेना जीवन का कि मेरे को मुक्ति चाहिए, वो उद्देश्य बनाने वाले जीव नहीं है, इसलिए मुक्ति होती नहीं। एक मिनट रहते वापस यहाँ की चीज, पुरुषार्थी हो ये सब पुरुषार्थ है कि नहीं उस दिशा में बताओ कि नहीं उस दिशा में। तत्व का विचार क्यों नहीं बनता एकदम, इसलिए नहीं बनता क्योंकि हम अपने बुद्धि में दूसरी सारी चीजों को बसाए रखते हैं, तत्व का विचार कैसे हो। बुद्धि को खाली रखने के लिए ये जितने भी बाहर के संयोग जिससे हमारा कोई जिंदगी का लेना देना नहीं है, पहले उन सबको हटा दो, सबको बाहर करो, ताकि तुम्हारे जिंदगी में केवल तुम्हारी जिंदगी से लेने देने वाली चीजें ही रहे, और कोई व्यर्थ की कोई चीज रहे ही नहीं कि जिसके बारे में तुम्हारा दिमाग उलझे। अपनी चीजों से उलझो, अपने जीवन को सुलझाओ, किसी दूसरे की जिंदगी को अपने दिमाग में बसाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या इसलिए मैं कहता हूं यदि अपनी आत्मा कल्याण करना हो ना तो सबसे पहले टीवी बेच के आना, करना हो तो, और टाइम पास करना हो तो कर ही रहे। व्यर्थ उपयोग की बर्बादी है उसमें, क्या कोई आदमी अभक्ष खा लेता है तो उसका दिमाग कितनी देर खराब होता है, उतनी देर होएगा जो भी होगा, मतलब तो मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ अभक्ष खाना, लेकिन वो पाप सबको दिखता है,
दिखता है ना, लेकिन अपना उपयोग बिगड़ता है वो किसी को नहीं दिखता, जबकि वो दिमाग में चलता रहता है। 10 साल पहले की पिक्चर भी याद रहती लोगों, गाने गुनगुनाने लग जाते, चर्चाएं चालू हो जाती हैं, तो वो तुम्हारे उपयोग में है। 10 साल पहले का होटल का खाना याद है क्या? कभी कोई कदाचित बिल्डा याद होता ना, भूल जाते हैं कौन सी शादी में किसकी शादी में, अपने को अपनी शादी में क्या बना था ये याद नहीं होगा, याद है क्या? 5 दिन पहले क्या खाया याद है? अभक्ष के संस्कार नहीं रहते इतने, लेकिन ये जो विषय कषाय के संस्कार है वो लंबे काल जाते हैं, ये ज़्यादा बड़ा अभक्ष है। क्या इसलिए लोगों इस पर तो बहुत बल देते हैं कि कपड़े कैसे हैं, सोने के एक नहीं है, नहीं भी होंगे तो इससे परिणाम नहीं बिगड़ जाएंगे, तो बिगड़ जाएंगे, लेकिन उससे बिगड़ते नहीं। अम्मा जी इधर तो सोने का खाना खाती है, वो आदमी टीवी चल रहा है, कपड़े धोएंगी और आत्मा गंदी करेंगी। पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता ये सब धर्म कैसा होगा। इसकी भी पवित्रता चाहिए कि नहीं, कि इसकी चाहिए? धो लो इसको, 3 बार धो लो, क्या है, दो तरह पानी में डूबे रहो पहले। लेकिन भाई साहब शुद्धि ये सब अंतरंग शुद्धि के लिए है, और तुम अंतरंग शुद्धि में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, बहिरंग शुद्धि पे तो पूरा भजन है, और अंतरंग जो परिणाम हो क्या शुद्धि है उसमें भजन है क्या? तो अपने को दिखाना है कि करनी है, अपने को क्या करना है, अपने को शुद्धि प्रदर्शित करनी है कि शुद्धि अंतरंग में प्रकट करनी है? प्रकट तो प्रकट करनी, और उससे अपना हित है, अपने को आकुलता की कमी है, मुक्ति की प्राप्ति आपको यही दिखेगी कि हम इतने संकल्प विकल्पों से बच गए तो हमारी इतनी मुक्ति हो गई, इतनी आकुलता से बच गए तो इतने दुख से बच गए, इतना मोक्ष हो गया, मोक्ष हुआ उससे, मुक्ति मिल गई ना। राग द्वेष से मुक्ति का नाम मोक्ष है कि नहीं? तो जितने राग द्वेष से आप बचे उतना मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? उस अपेक्षा से जितने संकल्प विकल्पों से बचे उतनी निराकुलता, व्यर्थ की आकुलता तो नहीं है कम से कम। तो इसलिए इस पर विचार करना, मोह राग द्वेष कोई ऐसी चीज नहीं है, मतलब ये जितनी हम इसको लाइटली लेते हैं उतना लाइटली लेने वाली चीज है। लोग और जो चीजें जितनी भारी रूप से लेते हैं वो उतनी भारी रूप से लेने लायक है क्या? छोटी छोटी चीजों को तो इतना गंभीर, जल की जगह चंदन चढ़ जाए तो सब लोग चिल्ला चूट कर दे, क्या हो गया, होना बच्चा 5 मिनट पूजा ही इनकी वो हो जाए क्या, बंद हो जाए एकदम, अरे वो एक छूट गया है पूरा करो क्या, ये तो कुछ बिगड़ जाएगा। और लोग पूछ भी लेते हैं, साहब मैंने वो ऐसा कर दिया, मैंने इधर की जगह इधर चढ़ा दिया पंडित जी, अब क्या होएगा, नरक जाओगे अब, तक नरक जाओगे तो क्या क्या करो फिर, उससे बचने का उपाय नहीं आओ शाम को, अरे वो तो ही कोई दूसरे कुछ बता दो क्या, मैंने वो आपको जरा सा टच हो गया ना, ये हो गया ना, वो हो गया ना, ये हो गया, जहाँ में कोई दम ही नहीं है वहाँ में पूरी ताकत लगा रखी, जहाँ में पूरा दम है वहाँ में ताकत ही नहीं, उस तरफ ध्यान ही नहीं है। कर्म बंधन किससे होता है? राग द्वेष मोह राग द्वेष परिणामों से होता है, उसके नाश का उपाय की चिंता नहीं है। और जो अपने कोई कर्म बंधन के कारण जिससे कोई लेना देना ही नहीं है उसके नाश का उपाय करता है, पर द्रव्य के मिटाने का उपाय करता है और अपने राग द्वेष मिटाने का उपाय नहीं करता। वो मिटाए मिटते नहीं, तो छू ले तो क्या करो, रसोई में बैठे बच्चा आगे छू ले क्या कर लो, छू ले क्या कर लो, ताला कितने दरवाजे लगा दो, अभी कोई घुस जाए और एकदम अनजाने में छू ले क्या करो, ऊपर से कुएं में कूदो बहुत सारी चीजें जो जितना बन सकता है आराम से करे, और बाकी मूल जो मूलभूत चीज है उसके मोह राग द्वेष के नाश के उस पर पूरा प्रहार करे, सारी ताकत वहां लगाए, इधर उधर ताकत लगाने की जगह इधर उधर सारी एनर्जी लगा देगा तो यहाँ एनर्जी नहीं बचेगी लगाने को,
क्या परंतु क्या करो, लक्षणीय लक्ष्य लक्ष्य रूढ़िवाद है, रूढ़िवाद जो जो भी धर्म की क्रियाएं अपन ने समझ रखी है हम वो करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा धर्म हो चुका है। देखो ये हो गया, अब ये अगली गाथा क्या कहते हैं, देखो इसमें अगली गाथा केवल उत्थानी का पढ़ता हूँ। अब तीनों प्रकार के मोह को, तीन प्रकार के मोह ना, तीन प्रकार के कह मोह को, मैंने मोह के तीन भेद किए, मोह राग और द्वेष, तीन प्रकार का है ना, इससे मोह राग ये पीछे ऊपर कहा ना, इससे मोह राग और द्वेष, इन भेदों के कारण मोह तीन प्रकार का है, हो गया कि तीन प्रकार का। तो ये तीनों प्रकार के मोह को अनिष्ट कार्य का कारण ही है, माने इसका ये किसका कारण है, ये अनिष्ट कार्य का, इससे बहुत अनिष्ट होने वाला तुम्हारा, ये फ्री पोकट में नहीं जाएंगे ये मोह राग द्वेष। ये क्या बिगड़ गया साहब, एक घंटे टाइम डेढ़ घंटे टाइम था तो टाइम तो पास किया बेटा, ये तुमने जो बांधा है ना, ये अभी 70 कोड़ा कोड़ी सागर जितना फल आएगा ना जब, तो तब तुमको मजा आएगा इसका, ये बहुत पिक्चर तो देखा है तुमने, कहा क्या है फ्री में ही देखा रहा था तुमने, ये बहुत मुफ्त की नहीं पड़ी है ये, इसका जब फल आएगा तो ऐसे दुखी होगे कि कोई कितनी पुकार करोगे तो कोई बचाने वाला नहीं आएगा। ये महा अनिष्ट कार्य को करता है, क्या करता है कि सबसे बड़ा अनिष्ट करता है, कर्म बंधन कराता है, जिस कर्म बंधन के कारण ही जीव दुखी होता है। जीव दुखी कभी किसी पर वस्तु के कारण नहीं होता, जीव के असली दुख का कारण कौन है, कर्म का उदय, और वो कर्म का उदय कब आता है, जब कर्म बांधते हैं, वो कर्म कैसे बनते हैं, मोह राग द्वेष, तो असली दुख का कारण कौन हुआ, मोह राग द्वेष, तो उसी के नाश का उपाय करना था, वही करता रहता आराम से और कुछ लगता ही नहीं, मैंने जिसका नाश करना चाहिए उसी के नाश की चिंता इसको नहीं, तो इसलिए यहाँ उसके ऊपर ध्यान दिलाते हैं, उसके ऊपर जो है एम्फेसाइज कराते हैं बार बार, क्या कि भाई ये मोह राग द्वेष अनिष्ट कार्य करने वाला है, ये अनिष्ट कार्य का कारण है कौन, मोह राग द्वेष, तो मोह राग द्वेष को अनिष्ट कार्य का कारण कहकर उसका क्षय करने को, कि क्षय करो इसको, तुम इसको 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 बढ़ाओ मत, इसके नाश का उपाय करो, तीन प्रकार के मोह का क्षय करने को सूत्र द्वारा कहते हैं, इन तीन प्रकार के मोह को क्षय करो, नष्ट करो इनकी सेना को, खत्म करो ये, क्या तुम्हें तुम्हें जिनवाणी मिली, भगवान जिनेंद्र मिले, हथियार मिल गए, जिनवाणी मिल गई ना, हथियार मिला है अपने पास, अब हथियार का उपयोग नहीं करे, तलवार मिली, सामने शत्रु खड़ा है, उस पर पूरी ताकत से नहीं चला है तो क्या होगा, शत्रु थोड़ी देर बाद समय बाकी इसका नाश करे, यही होगा ना, तो ऐसे तेरे पास में यदि आज अवसर आया है और तू यदि इस अवसर का उपयोग मोह के क्षय करने में नहीं करेगा तो पुनः तेरा ये मोह क्षय करेगा, मतलब मोह क्या करेगा, तू पुनः वापिस से वैसी वैसी दशा करी, अभी थोड़ा मंद कषाय में कुंड बांध देगा, देवगति चले जाएगा, वहां मोह करने लग जाएगा, फिर वहां से आके एक इंद्रिया आदि पड़ जाएगा, परिभ्रमण करेगा, इसलिए ये उपाय देवगति बांधने के लिए नहीं दे रहे हैं, काहे के लिए दे रहे हैं ये उपाय, या ये जो समय दिया है, ये अवसर दिया है, ये देवगति बांधने के लिए नहीं, ये मोह क्षय करने के लिए, देवगति में क्या नाम है तुम बात कर रहे हो, तुम मोह का क्षय करो, मोह के नाश का उपाय करो, मुक्ति की प्राप्ति का उद्यम करो, ये देवगति तो तुम्हारे चरणों में आके भिक्षा की वृत्ति मांगे, भिक्षा मांगेगी कि हमको आसरा दे दो आपके पास, हम आप जैसे लोगों की शरण में जाके अपने को धन्य महसूस करते, क्या समझ में आया, देवगति तुमसे भिक्षा मांगेगी, तुम ये आ जाओ, योग्य व्यक्ति हो जो खुद ही नहीं आना चाहता हो वहां जगह, उससे अच्छी जगह उसको मिल रही हो, तो नीचे वाला कहता है कि मेरी आ जाओ, मेरी आपको सब सुविधा मिलेगी, देवगति तो आमंत्रित करती है ऐसे लोगों को, कौन जो मुक्ति मार्ग के पथिक के, वो कहती है ये तो बहुत उत्कृष्ट जाति का जीव है, ये तो हमारे यहाँ आएगा तो हमारी शोभा बढ़ेगी, चक्रवर्ती बने की शोभा है उनसे, उनकी शोभा चक्रवर्ती बने से नहीं है, चक्रवर्ती पद की शोभा महापुरुषों से है।
वो मुकुट उन्होंने धारण किया उससे वो मुकुट महान हो गए, वो मुकुट पहनने से महान नहीं हुए। तो इसलिए वो कहते हैं कि इस ये जो काल मिला है तो इस काल के अंदर क्या करो, मोह के क्षय को करो, ये करो। वो अगले सूत्र द्वारा